हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी होम कुकिंग विद मी। आज मैं आप सबके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक टिप शेयर करने लगी हूँ कि हम किस तरह से टमाटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं। आजकल टमाटर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, क्यों ना आप इसको फ्रीज़ कर लें और इसे 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ टमाटर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे अब हम ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हम टमाटरों को लंबाई में कट कर लेंगे। यहाँ मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करने लगी हूँ कि आप किस तरह से टमाटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं और इसका पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। टमाटरों को फ्रीज़ करके रखने से इसके टेस्ट में और कलर में कोई फ़र्क नहीं आता, ये बिल्कुल फ्रेश ही लगते हैं। अब यहाँ हमने टमाटर कट कर लिए हैं, इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पानी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ टमाटरों को ब्लेंड करना है। टमाटर का पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसको एक आइस क्यूब की ट्रे में डालकर इसको फ्रीज़ कर लेंगे। आइस क्यूब की ट्रे की जगह आप इसे छोटे जिपलॉक बैग में या फिर छोटे स्मॉल प्लास्टिक के कंटेनर में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपने सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम टमाटर का पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसे हम होल फ्रीज़ करेंगे। होल फ्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ कट लगा लिया है ताकि जब आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ करें तो स्किन इसकी इजीली उतर जाए। इसी तरह हम बाकी के तमाम टमाटरों को भी कट लगा लेंगे। अब इन तमाम टमाटरों को हम एक जिपलॉक बैग में डाल के इसे भी फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह इजी स्टेप को फॉलो करके आप टमाटरों को लंबे टाइम के लिए महफूज करके रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा मेथड कि टमाटरों को और किस तरह फ्रीज किया जा सकता है। टमाटरों का हम ऊपर का हिस्सा काट के निकाल देंगे और इसे हम लंबाई में 4 हिस्सों में काट लेंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने इसको पेस्ट बनाने के लिए कट किया था, तमाम टमाटर हमने लंबाई में काट लिए हैं। अब हम इसे एक ट्रे में रखकर फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ हमने टमाटर को फ्रीज़ करते हुए ध्यान रखना है कि इसको अलग-अलग फ्रीज़ करें, नहीं तो ये एक साथ सब चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने टमाटर को फ्रीज़ कर लिया है और ये सब अलग-अलग है, इसे भी हम जिपलॉक बैग में डाल देंगे। इस तरह से टमाटर को कट करके रखने से आपको आसानी हो जाती है, जितना आपको इस्तेमाल करना हो आप उतने पीस निकाल सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे में जो हमने टमाटर का पेस्ट फ्रीज़ किया था, इसे भी हम निकाल कर जिपलॉक बैग में रख लेंगे और सेव कर लेंगे। ये थे 3 बहुत ही आसान तरीके टमाटर को फ्रीज़ करने के जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद नई आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।